नहीं बिल्कुल खुशी हो रही है अपने शहर में आके और अपने लोगों के बीच में बहुत प्यार मिल रहा है, तो इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कानपुर में उद्योग व्यापार मंडल में आके। और नए लोग हैं और नए लोगों के बीच में जब आपको प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी अप्रोच थी और डेस्परेशन थी हमें जीतने की। वर्ल्ड कप शायद हमने 23 में मिस कर दिया था और उसी प्लान से हम खेले थे वर्ल्ड कप और जो हमें चाहिए था हमने वो अचीव किया। रोहित ने और विराट जी ने और जडेजा ने संन्यास लिया, क्या लगता है कितनी मिसिंग वो रहेगा T20 की जब सीरीज होगी? अभी मुझे लगता है अभी इस बारे में बात करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें एंजॉय करना चाहिए और वो उनका पर्सनल डिसीजन है। और ऑब्वियसली बहुत बहुत कुछ अचीव किया है इतने सालों, उन्होंने क्रिकेट के लिए किया है, भारत के लिए किया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में जो यंगस्टर होंगे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने की। और वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने आखिरी मैच खेला तो वो उससे अच्छी अचीवमेंट नहीं हो सकती। और जो लड़के नए लड़के आएंगे उनको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छा करने की। तो फाइनल मैच था, टर्निंग पॉइंट आपको क्या समझ आया जो टर्निंग पॉइंट था पूरा मैच में? नहीं, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। चाहे बल्लेबाजी से बात करें, चाहे विराट भाई की इनिंग की बात करें, चाहे अक्षर की बात करें, चाहे नीचे आके बैटिंग में, तो टर्निंग पॉइंट मुझे नहीं लगता कोई था। सारे सब ने मिल के काम किया और अचीव किया। नहीं बिल्कुल अभी टाइम है उसके लिए और होपफुली जब आपके सामने से चीज़ें आएगी तो आपको पता चल जाएगा। T20 फॉर्मेट ही चैलेंजिंग है, कोई ईजी हर चीज़ मिलती नहीं है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है और फाइनल जीते इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। थैंक यू।